सिविल फर्स्ट ईयर, आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंजीनियरिंग इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का। इसमें टॉपिक हमारा ब्रिक्स एंड टाइल्स, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट का तारफ किया था, अभी इसमें पहला चैप्टर ब्रिक्स और टाइल के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा मेरिट्स एज बिल्डिंग मटेरियल्स। ब्रिक्स को जब अगर हम इस्तेमाल करेंगे बिल्डिंग मटेरियल में तो उसका क्या हमें फायदे क्या होंगे, इसके लिए जो ब्रिक्स हम इस्तेमाल करेंगे इसका साइज यकसा होना चाहिए, एक ऐसा साइज होना चाहिए ब्रिक्स का। उसके बाद जो कारीगर होगा, मिस्त्री होगा, उसकी ग्रिप मजबूत होती है। अगर हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में तो कारीगर की उस पर ग्रिप मजबूत होती है। तीसरी चीज इसमें के साइज कैसा होगा, पत्थर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर का साइज कैसा नहीं होता, उसको तराशना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा साइज होता है कारीगर की ग्रिप मजबूत होती है, आसानी से उसको कारीगर उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद अगर मटीरियल की तरफ जाए तो कम लागत वाला मटीरियल होगा, आसानी से मार्केट में दस्तयाब भी होता है, आप आसानी से ले सकते हैं। मैदानी इलाकों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, पहाड़ी इलाकों में क्योंकि पत्थर हमें आसानी से दस्तयाब होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में पत्थर का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आप ईंट इस्तेमाल करेंगे तो उसका वजन में हल्की होती है, आसानी से आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में भी आप आसानी से फेंक सकते हैं और आसानी से आप काम कर सकते हैं बनिस्बत पत्थर के या ब्लॉक के। फिर एक अच्छी ईंट के लिए हम इसके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि अच्छी ईंट जो होगी वो वजन, वो इतना अपने वजन का 1/6 हिस्सा पानी अगर पी ले तो अच्छी होती है, उसकी ताकत हम ताकत का अंदाज़ा हम उसके टेस्ट करने से हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के ईंट की दर्जाबंदी। ईंटें दर्जाबंदी के लिहाज से फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कम पक्की हुई, कम जली हुई ईंटें, ज्यादा जली हुई, इन तीन ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्या खूबी होनी चाहिए कि जब दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो सुरीली आवाज पैदा होगी। उसके बाद अगर 1 मीटर की ऊंचाई से अगर ईंटों को इस तरह फेंकेंगे तो टूटेगी नहीं। तीसरी चीज उसका रंग साइज यकसा होगा, एक जैसा होगा, ज्यादा जली हुई होंगी, पकी हुई नहीं होंगी, एक ही कलर की ईंटें होंगी, एक ही जैसी उसकी डायमेंशन होगी, साइज होगा। उसके बाद अगर इसको वाटर अब्जॉर्प्शन इसकी चेक की जाए, पानी जज़्ब करने की ताकत चेक की जाए तो ईंट अपनी अपने वजन का 1/6 हिस्सा, या अगर हम कह दें कि 20% तक भी अगर पानी पीती है एक अच्छी तो इसको हम कह दीजिए हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में आती है। उसके बाद अगर ताकत इनकी चेक करें फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की तो वो 105 kg (105 kg/cm² होनी चाहिए। इस तरह सेकंड क्लास ब्रिक्स होगी इसका भी साइज जैसा होना चाहिए। उसके बाद अपने वजन का, सेकंड क्लास ब्रिक्स होती है अपने वजन का 1/4 हिस्सा पानी जज़्ब करेगी, और दबाव की ताकत सेकंड क्लास ब्रिक्स की दबाव की ताकत 70 kg/cm होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक्स ये ज्यादा पकी भी नहीं होती इनके, और जिसको हम खिंगर ईंटें कहते हैं ज्यादा पकी हुई होती है, ये
इस्तेमाल करते हैं, चुनाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसी ईंटों को, फर्शों के लिए, फर्श बनाने के लिए एग्रीगेट के तौर पर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है कम जली हुई ईंटें, अगली इसकी क्लासिफिकेशन कम जली हुई ईंटें, ऐसी ईंटें जिनका जो कम जली हुई होती है, कम पकी हुई होती है, उन ईंटों को इस्तेमाल किया जाता है, इनको जामा ईंटें भी कहा जाता है। और इन ईंटों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम कंस्ट्रक्शन के कामों में, अगर इस्तेमाल करना भी पड़ जाए, ये चुलाई के कामों में, अगर चुलाई के कामों में अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो दोबारा इसको पका कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ज्यादा जली हुई ईंटें, ज्यादा जली हुई ईंटों को हम पिला ब्रिक्स भी कहते हैं, और इनका इस्तेमाल हम फिलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्शों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लेकिन चुनाई के कामों में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आज का टॉपिक था आपका ब्रिक्स का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ईंट टेस्ट करने के तरीके बताए जाएंगे, ईंटों को किस तरह टेस्ट किया जाता है, ईंटों की बनावट के तरीके का बताया जाएगा कि किस तरह बनती है, कौन कौन से इसके लिए अज्जा शामिल होते हैं और उनकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है उसके लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आपसे इंशाल्लाह।